हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय आई स्पीकिंग टेस्ट सीरीज आई टॉक्स विद करिश्मा। हाय, आई एम करिश्मा जोशी, द फाउंडर ऑफ नेविगेटर्स एजुकेशन, अ मदर ऑफ टू क्यूट डॉटर्स, अ पावरफुल सोर्स टुगेदर, अ वाइफ टू अ फाउंडिंग पार्टनर चिराग जोशी, अ सोलफुल एंड अ सपोर्टिव मैन, एंड अ डॉटर टू अ फादर हु टॉच मी टू वैल्यू माई सेल्फ, टू बिलीव इन सेल्फ वर्थ एंड ब्लॉसम इन टू अ स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस वुमन। I am a certified trainer by IDP Australia, British Council, Cambridge University, PTE and TOEFL 2. Having 17 plus years of experience by training and helping to secure desired scores in IELTS and PTE to more than 10,000 students till date by both offline and online mode. So guys, चलिए देखते हैं आज का हमारा क्यू का टॉपिक कौन सा है। So our क्यू का टॉपिक ऑफ टुडे इज Describe a difficult decision that you made once. आपको एक ऐसे decision के बारे में बताना है यहाँ पे जो आपने एक बार लिया है जो बहुत ही difficult था। तो सबसे पहले what the decision was आपको बताना है कि वो decision कौन सा है या था। When you made the decision, आपने वो decision कब बनाया। How long did it take to make your decision, कितना समय लगा आपको वो decision लेने में। And explain why it was like difficult decision for you to make, वो आपके लिए कितना difficult रहा बनना decision लेने में वो आपको बताना है। तो वेल, हम लोग जानते हैं हमारी life में हम बहुत सारे ऐसे decisions लेते हैं जो बहुत ही difficult होते हैं, but then still we like by some or the other reason सबको convince करके कुछ ना कुछ करके हम लोग वो decision लेते हैं। और वो जब decision लेना होता है तब हमें बहुत सारी मुश्किलें आती है। तो बस आपको ऐसे ही चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताना है, कुछ याद करके या तो किसी का एक्सपीरियंस होना हो उससे भी आप बता सकते हो। सो वेल, सबसे पहले हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे। तो लाइक वेल, वी मेक मैनी माइनर एज वेल एज मेजर डिसीजंस इन अवर रूटीन लाइफ, एंड वन सच डिसीजन लाइक विच वॉज रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर मी इन माई लाइफ टूडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, एंड दैट डिसीजन इज, फिर आपने जो डिसीजन लिया है उसके बारे में बात करो। तो पहले समझ लेते हैं ऐसे कौन से डिसीजंस होते हैं जो हमारी लाइफ में बहुत मुश्किल होते हैं और हमें लेने पड़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो हमारे लेकिन बहुत ही बेसिक जो एक पहला डिसीजन हमारे लिए आता है लेना, वो होता है हम जब टेंथ क्लियर करते हैं, टेंथ बोर्ड, तो उसके बाद हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी है, लेकिन आगे क्या पढ़ने जाना है, तो वो हमारा पहला पड़ाव होता है। उसके बाद हम लोग टेंथ में अगर हम लोग क्लियर है कि भाई हमें साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, तो ट्वेल्थ के बाद हमारे लिए डिसीजन मेकिंग हो जाता है इंपॉर्टेंट कि अब मैं क्या करूँ, आगे क्या करूँ, इंजीनियरिंग में जाऊँ, मेडिकल फील्ड में जाऊँ, या तो फिर मैं लेकिन BBA करूँ, BCA करूँ, मैं क्या करूँ। तो ये सारे डिसीजन आफ्टर ट्वेल्थ होते हैं। उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन पढ़ाई कर ले तो जॉब का डिसीजन होता है, मैं जॉब करूँ, कहाँ पे जॉब करूँ, कैसी जॉब करूँ, बिजनेस करूँ कि जॉब करूँ। और उसके बाद आपको आता है लाइफ पार्टनर सिलेक्शन करने का, मतलब शादी का इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे बहुत सारे डिसीजन हमारी लाइफ में होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, कई लोग को घर खरीदना होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसके हम डिसीजंस लेते हैं जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो चलिए आज हम दो ऑप्शंस देखते हैं। एक तो हम भाई एक पहली बात करते हैं हमारी स्ट्रीम ऑफ स्टडी के बारे में जो हम टेंथ के बाद डिसीजन लेते हैं। तब बता सकते हो कि वेल द डिसीजन विच वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक एंड विच आई मेड वॉज लाइक माई स्ट्रीम सिलेक्शन आफ्टर माई टेंथ स्टैंडर्ड, एंड आई रिमेंबर दैट दिस डिसीजन वॉज लाइक अप्रॉक्सीमेटली से 6 years बैक है, तो 4 years बैक आपकी जो अभी एज है उससे 10th स्टैंडर्ड का आपका रिकॉल करके आप बता सकते हो कि कितने साल का डिफरेंस होता है। आगे आपको बताना है कि लाइक हाउ मच टाइम इट टुक फॉर यू टू टेक द डिसीजन। तो आप यहाँ पर थोड़ी एक स्टोरी लाइन भी बना सकते हो कि भाई डिसीजन लेने में क्या प्रॉब्लम आ रही थी। तो जैसे कि डिसीजन है कि लेकिन आई वॉज कन्फ्यूज, मेरे परसेंटेज जो है वो बहुत ही अच्छा आए थे, मोर देन एक्सपेक्टेड, आई हैव सिक्योर मोर देन 80 or 85%। तो उस वक्त माई पेरेंट्स वॉन्टेड मी टू गो इन द साइंस स्ट्रीम, वेर एज माई इंटरेस्ट वॉज इन लाइक टू गो इन टू अ कॉमर्स फील्ड। और फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे सबको पता चलने लगा मेरा रिजल्ट, सब लोग अपना अलग अलग ओपिनियन देने लगे, तो वहाँ पर मेरा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि नाउ वॉट शुड आई डू एंड विच स्ट्रीम शुड आई गो। सो देन ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ों में 15-20 दिन हो गए, क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू मेक अ डिसीजन, तो ये सब चीज़ों में 15-20 दिन हो गए, ठीक है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि लेट मी थिंक व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ। सो आई टुक 2 more days, आई रिसर्च्ड एवरीथिंग अबाउट व्हाट माय पेरेंट्स आर टेलिंग मी एंड व्हाट आई वांट टू डू। मैंने थोड़े रिव्यूज़ लिए, थोड़ा लाइक
एक देखा सिनारियो फ्यूचर का कि क्या होने वाला है, थोड़ा रिसर्च वगैरह किया, एंड देन आई फेल्ट कि नहीं, आई विल गो इन द स्ट्रीम दैट आई वॉन्टेड टू गो बिकॉज दैट इज़ रियली अ स्ट्रीम ऑफ माई इंटरेस्ट. एंड देन फॉर दैट आई ऑल्सो कन्विंस्ड माई पेरेंट्स, मैंने उसके लिए मेरे पेरेंट्स को भी कन्विंस कर लिया. उनको मैंने बताया कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, मेरा गोल क्या है और मेरा इंटरेस्ट क्या है, और मेरे इंटरेस्ट का और मेरा जो गोल है उसमें मेरा फ्यूचर मैं कैसे बनाना चाहती हूँ या बनाना चाहता हूँ. तो इस तरीके से ये चीज़ों के बारे में बात करके मैंने मेरे पेरेंट्स को कन्विंस किया, वो कन्विंस भी हो गए मुझसे. एंड नाउ नॉट ओनली मी बट माई पेरेंट्स आर ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड प्राउड फॉर मी. ठीक है, तो ये रहा आपका एक ऑप्शन जहाँ पे हम स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे डिफिकल्ट डिसीजन मेकिंग में. नाउ मूविंग फर्दर ऑन वन मोर ऑप्शन, वन और एक और ऑप्शन आप बता सकते हो कि लाइक जो डिफिकल्ट डिसीजन था वो मेरा चूजिंग लाइक यू नो फ्रॉम अ जॉब एंड अ बिजनेस. तब बता सकते हो कि लाइक जॉब के बारे में अगर आप बात करो तो जॉब के बारे में बात कर सकते हो कि मुझे एक जॉब करना था जो ये जगह पे करना था, उसके लिए मुझे सिटी चेंज करना था तो वहाँ पे मेरे पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन था, ये वो, और उसके बारे में बात कर सकते हो. दूसरा हम बता सकते हैं कि मेरा एक ऑप्शन आ गया था जॉब वर्सेस बिजनेस का, जैसे कि मुझे बिजनेस करना था पर मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं जॉब करूँ. जैसे कि आफ्टर माई बैचलर्स या मास्टर्स आपने जो भी ख़त्म किया तो मेरे पास टोटल 3 to 6 months थे जहाँ पे मैंने जॉब किया, और उसके दरमियान मैंने बहुत सारा रिसर्च भी किया. तब जाके मुझे पता चला कि नहीं, मेरा जो इंटरेस्ट है वो बिज़नेस में है, नहीं कि जॉब में, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना था, बहुत सारी चीज़ें अपने आप से करनी थी जो मुझे जॉब में लिमिटेशंस आ रहे थे. ठीक है, तो जब मैंने मेरे पेरेंट्स को बात किया तो शुरू में वो लोग कन्विंस नहीं थे क्योंकि मेरे पास भी उनको कन्विंसिंग आंसर्स देने के लिए नहीं थे. तो उसके बाद मुझे जहाँ पे जॉब करना, मुझे जैसे जहाँ पे बिज़नेस करना था, जो चीज़ के बारे में, उसका मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, बहुत सारी लाइक यू नो चीज़ें मैंने सर्च की जहाँ पे मैंने उसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स दोनों सर्च किया, और दोनों में मैं किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो वो चीज़ों को भी मैंने बाइफरकेट करके मेरे पेरेंट्स को उसके बारे में समझाया, बताया और उनको कन्विंस किया. ठीक है, बताया कि बिजनेस रिस्क कौन से होते हैं, उसमें कितना मुझे कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, मैं किस तरीके से वो लाइक यू नो उसको मैं गैदर करूँगी या करूँगा. तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने मेरे पेरेंट्स को बताई और उनको मैंने कन्विंस किया. एंड टुडे आई एम अगेन वेरी मच श्योर एंड आई एम वेरी मच हैप्पी दैट नॉट ओनली मी बट माई पेरेंट्स आर ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ मी ऑन माई दिस लाइक यू नो डिसीजन. एंड आई वुड लाइक टू से दैट रियली इट वॉज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट लाइक यू नो सिचुएशन एंड डिसीजन फॉर मी टू मेक, क्योंकि मेरे पूरे लाइफ का जो लाइक यू नो आगे जो होने वाला था मेरी लाइफ में, या मेरी पूरी जो लाइफ है, मेरा करियर है, वो ये डिसीजन पे ही डिपेंडेंट होने वाला था. So I think that because of all this reason, it has been very difficult, like you know, time for me to make this difficult decision. And today I would like to say that really I was the correct, like you know, the one who made the correct decision. So guys, आप भी इस तरीके से आपका एक आंसर बना लीजिए, अच्छे से उसको प्रिपेयर कीजिए, उसको रिकॉर्ड कीजिए, एंड जस्ट बी रेडी फॉर गिविंग योर आंसर. सो गाइज, डोंट फॉरगेट टू कीप शेयरिंग माई दिस पॉडकास्ट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. See you tomorrow. Till then, bye-bye and take care, everyone.